सौरभ सिंह राजपूत जो है पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान में आपको जो है शहद के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आयुर्वेद में मधु के नाम से जो वर्णित आपको मिलेगा और इसकी बहुत सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे आयुर्वेद में आपको मिलती है मोस्टली जो है वो अनुपान के यूज़ में यूज किया जाता है ना है ना विभिन्न जितने भी चूर्ण हैं कुछवटियाँ हैं उसमें अनुपान क्रम जैसे किसी तो अपलादी चूर्ण है उसके अगर आप शहद के साथ लेते हैं तो जो है खांसी में और सर्दी से रिलेटेड जितनी भी आपको दिक्कतें हैं वो आपकी शांत हो जाएंगी और साथ ही मधु को जो है आप ग्राही होता है लेखन कर्म करता है तो कफ शामक होता है तो कफ़ से रिलेटेड इतनी बीमारियाँ हैं उसमें यूज़ होता है और आपको मधु के साथ ले क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज इनरिस्ट होता है तो आप जो है डायबिटीज़ में उसको एज एन अल्टरनेटिव ऑफ शुगर यूज़ कर सकते हो बट एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मधु है वो ऊष्ण विरोधी यानी कि आप उसको हीट नहीं करो है ना हीट करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो गलत हो जाती हैं तो इसलिए आपको उसको बिना हीट किए ही यूज़ करना चाहिए और बहुत सारी परीक्षाएं बताई जाती हैं कि आपको प्योर हनी कैसे पहचानना है उस बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें से जो है अगर आप आयुर्वेद में बात करो तो जो वर्णित थे कि अगर आप उसकी रुई की जो है वर्ती बनाकर अगर उसमें आप हनी को डिप करो और उसके बाद फिर अगर अग्नि पर रखो आप इसे जलाओ तो जो प्योर हनी होगा वो आसानी से जल जाएगा लेकिन अगर उसमें कुछ मिलावट होगी तो उसमें चट चट जैसी कुछ आवाज़ आएगी तो ऐसे आप जो है प्योर हनी को भी पहचान सकते हो बिल्कुल क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज होता है और फ्रुक्टोज इन्डिस्ट कोई भी चीज़ होगी जैसे कि गुड़ हो गया और जो है हनी होगी तो वो आप एज एन अल्टरनेटिव ऑफ जो नॉर्मल शुगर है वो आप इस्तेमाल करोगे तो आप बेहतरीन मतलब उसके हैं और अच्छा आपको यूज़फुल होगा वो साथ में आपको जो ओबेसिटी है वो भी आपको कम करने के लिए जो है वो हनी कारगर साबित होगा